काशी तो अविनाशी है। पौराणिक नगरी काशी की महिमा का बखान देश के कण-कण में गूंजता है। संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक काशी को मोक्ष की नगरी माना गया है। इसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। पौराणिक 16 महाजनपदों में काशी का प्रमुख स्थान था। यहां पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। प्राचीन काल में जो श्रद्धालु तीर्थयात्रा पर काशी नहीं पहुंच पाते थे, वो अपने घरों में ही काशी पट की उपासना कर काशी में पूजन करने का संतोष प्राप्त करते थे। काशी पट एक प्रस्तर पर काशी नगरी का उकेरा गया चित्रण होता था। ऐसा ही काशी का एक मूर्तमान रूप भोपाल के स्टेट म्यूजियम में सहेजा गया है। लाल बलुआ पत्थर पर निर्मित यह काशीपट विदिशा के बढ़ो नामक स्थान से प्राप्त किया गया है। परमार शैली में निर्मित इस प्रतिमा का काल 10वीं शताब्दी अनुमानित है। इस शिल्पखंड पर काशी नगरी के धार्मिक और आध्यात्मिक रूप को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। काशीपट में पवित्र गंगा नदी के प्रवाह को मध्य में दर्शाया गया है, जिसमें मत्स्य, मकर, कच्छप आदि का अंकन है। यहाँ हम इस पैनल में ये देखते हैं कि बनारस अभिमुक्त क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं काशी, वह गंगा का प्रवाह से अपने आप में स्पष्ट करती है कि गंगा बनारस में उपलब्ध है और उसमें सृष्टि विकास के उस समय के चरणों से लेकर के इस काल तक का किस तरीके से प्रतीकात्मक स्वरूप दिखाए। मत्स्य अवतार विष्णु भगवान का गंगा के अवतरण के साथ में जो यहाँ दिखाया गया है, मत्स्य अवतार को दिखाया है। गंगा का वाहन मगर, वो भी इसमें जलचर प्राणियों में, कच्छप अवतार में यमुना की उपस्थिति दिखा दी गई है। और ये सर्पाकार स्थिति कहीं ना कहीं शिव के धाम को प्रतिभूत करता हुआ ये संपूर्ण गंगा की उपस्थिति इसमें दिखाई गई है। पट के ऊर्ध्व भाग पर 14 शिवलिंग दर्शाए गए हैं, जो शिव की नगरी काशी को अविमुक्त क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। शिवलिंग के नीचे वाली पंक्ति में हाथ में कमल पकड़े हुए आदित्यों तथा नवग्रहों की उपस्थिति दर्शाई गई है। इस गंगा के साथ यहाँ पर सारे ज्योतिर्लिंग न होकर के, या द्वादश ज्योतिर्लिंग न होकर के, शिव धाम के रूप में शिव की नगरी जो काशी या बनारस या वाराणसी, जिनको अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, ये उसकी उपस्थिति के रूप में त्रिपिटावेश्वर, भक्तिवावेश्वर, मणिकर्णिका केश्वर, महादेवेश्वर, मुक्ता केश्वर, अभिमुक्त केश्वर, जो आज भी वहाँ पर स्थायी रूप से पुराने मंदिर बने हुए हैं, ये उन मंदिरों का प्रतीकात्मक रूप से ये 14 शिव धाम के रूप में। तीसरी पंक्ति में हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए विष्णु की 12 प्रतिमाओं का अंकन किया गया है। यहाँ पर इस क्षेत्र को पुण्यदायी क्षेत्र 14 अलग शिव आदित्यों के रूप में दिखाया जाने का प्रयास रहा, बट यहाँ सारे लोगों की उपस्थिति की है। इतनी पावन नगरी कि सारे लोगों का निचोड़ सार तत्व इसमें समाहित, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, इन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए सारों का सार इस गंगा क्षेत्र में, बनारस क्षेत्र में इसको प्रतिपादित किया हुआ है। नदी के दाहिने तरफ नीचे की ओर द्विभंग मुद्रा में पंच विनायक गणेश की प्रतिमाएं दर्शाई गई हैं। पंच शिवलिंग और यहाँ नीचे पंच विनायक गणेश, मैं मध्य के इस पे आता हूँ। पंच विनायक गणेश, चिंतामणि विनायक, सेना विनायक, सीमा विनायक, आशा विनायक, डंडी विनायक, इन पंच शिवलिंगों और पंच गणेशों की यात्रा काशी से प्रारंभ होकर के गंगा सागर तक कितनी निर्विघ्न और कितनी पुण्यदायी हो, इसका शिव पुराण से लेकर के अनेक पुराणों में कई सारे
अध्यायों में, कई सारे कालखंडों में इन्हें बताया गया है कि इनकी परिक्रमा कितनी पुण्यदायी और कितनी लाभकारी होती है। भारत की प्राचीन मूर्ति कला इतिहास के अनेक अनछुए पहलुओं को अपने आप में समेटे हुए है। प्राचीन नगरी काशी का प्रतीक यह काशीपट बताता है कि उस समय की मूर्ति कला कितनी समृद्ध और जीवंत थी। एक नगरी का प्रतिरूप पत्थर पर उकेरना इतिहास को सहेजने का जीवंत तरीका बनकर हजारों साल बाद हमारे सामने आता है और यही साबित करता है कि काशी तो अविनाशी है।